हेलो फ्रेंड्स, टेक यूट्यूबर में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जैसे आपके पास जो है आईपीपी मोबाइल बैंकिंग का रजिस्टर करना चाहते हैं नेट बैंकिंग, और आपके पास एटीएम नहीं है तो आपका वर्चुअल वाला होगा, तो वर्चुअल वाला आप अपने फ़ोन से स्क्रीनशॉट लिए होंगे, तो इस तरह से होगा। या अपना पोस्ट ऑफिस से एटीएम कार्ड, अपने पोस्ट ऑफिस से अपना अकाउंट ओपन किए होंगे, तो यहाँ से आपको इस तरह से आपको कार्ड मिला होगा। इसमें आपको मिला होगा तो इसे आप रजिस्टर करना चाहते हैं या आप अपने मोबाइल से रजिस्टर करना चाहते हैं इस वर्चुअल वाला एटीएम कार्ड से, तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखने बाद बहुत आसान तरीके से रजिस्टर कर सकेंगे। आज की इस वीडियो में आपको रजिस्टर करने का सही तरीका बताऊंगा जो नया अपडेट आया है। इसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अपने मोबाइल में, और इसको आप पहले से यूज करते होंगे तो यहाँ से अपडेट आता है, तो इसको समय समय से आप अपडेट कर लेंगे। इससे क्या होगा फ्रेंड कि आपके जो होता है आईपीपी मोबाइल बैंकिंग में जो होता प्रॉब्लम नहीं आएगी, और आप आसानी से जो भी नया फीचर आता है इसमें फिक्स हो जाएगा, तो आसानी चला सकेंगे। उसके लिए फिर आप यहां से जिस इस एप्लीकेशन को आपको ओपन करना है, डाउनलोड करके या अपडेट कर लेना है, उसके ऊपर से रजिस्टर करने के लिए यहां से ओपन करने का ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से आपका फ़ोन लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद यहां से आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से विल बी यूज टू द ऐप का ऑप्शन, इस करने का ऑप्शन आता है, तो यहाँ से लॉगिन ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके पर फिर यहाँ से आपको अलाउ कर देना है। जैसे अलाउ कर देंगे इसमें से आपका कौन सा सिम है आप आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। जैसे देख सकते हैं फिर हमारे साथ कौन सा सिम है, एयरटेल में आपका बैंक लिंक है आईपीपी मोबाइल बैंक का, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का, कि आपका जो था सिम टू में, इसमें आपका यहाँ से जैसे वो सिम वन में हमारा सेलेक्ट है तो यहाँ सिम वन को हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके पर से यहाँ से टिक मार देना है। जैसे टिक मारेंगे यहाँ से आपका मोबाइल में रिचार्ज होना चाहिए, मैक्सिमम आपका जो था डाटा फ्री होना चाहिए, जैसे 2 GB से अधिक होना चाहिए डेली का, या आपका रिचार्ज 239 से अधिक होना चाहिए या 300 से। तो देख सकते हैं यहाँ से हमारा रिचार्ज है, तो यहाँ से स्टार्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। स्टार्ट में से एसएमएस वेरिफिकेशन पर जैसे आपके मोबाइल में रिचार्ज रहेगा तो यहाँ से अलाउ कर देना है। जैसे अलाउ कर देंगे उसके पर फिर यहाँ से आपका फ़ोन लोडिंग लेगा। जैसे लोडिंग लेगा आपको कुछ नहीं करना, आपको कुछ वेट करना है। देख सकते हैं स्टेप वन, स्टेप थ्री, स्टेप पर चला जाएगा। उसके पर से यहाँ से अकाउंट नंबर दे देगा और यहाँ से आईएफएससी कोड या सीआईएफ नंबर मांगेगा, जो देखते हैं कस्टमर आईडी, जैसे सीआईएफ नंबर कस्टमर आईडी एक ही होता है, और यहाँ से देखते हैं डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ से आपका मोबाइल नंबर शो कर देगा। इसमें आपको अकाउंट नंबर लिखना है और कस्टमर आईडी या सीआईएफ नंबर, जैसे देखते हैं ये कार्ड है, इसके कार्ड में आपको क्या लिखना है, देखते हैं अकाउंट नंबर है, अकाउंट नंबर आपको ऊपर में लिख देना है, सीआईएफ नंबर मतलब कस्टमर आईडी आपको इसमें लिख देना, और डेट ऑफ बर्थ आपका यहाँ से आपको याद होगा आपके आधार कार्ड में जो रहेगा सेम का डेट ऑफ बर्थ इसमें इंटर करेंगे, जब सही रहेगा तुरंत आपका वेरीफाइड कर लेगा, यहाँ से रजिस्टर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। चलिए हम इंटर कर लेते हैं, लेगा उसके ऊपर से नीचे आपको रजिस्टर करने का ऑप्शन आता है। रजिस्टर ऑप्शन पर जैसे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपका फ़ोन आ जाएगा लोडिंग। लोडिंग लोडने के बाद यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से आपको कोड लिख देना, जो देखते हैं यहाँ से हम कोड इंटर कर चुके हैं, और जैसे न्यू कोड आपको बनाने के लिए देगा, जैसे ही आप इंटर कर लेंगे उसके ऊपर से यहाँ से नेक्स्ट ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जो देखते हैं यहाँ से नेक्स्ट ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे, उसके ऊपर से यहाँ से देख सकते हैं नेक्स्ट या सेट पिन का ऑप्शन है, यहाँ सेट पिन ऑप्शन पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका फ़ोन लोडिंग लेगा, और यहाँ से आपको अपना जो होता है क्वेश्चन इंटर कर लेना है। चलिए हम यहाँ से हम इंटर कर लेते हैं पूरा, जैसे इसमें क्या भरना है और यहाँ से क्या भरना है, जैसे यहाँ से आपका डेटा जो था आपका जो था डेट ऑफ बर्थ, आपका जन्म तिथि कहाँ है, कहाँ आपका जन्म हुआ था, किस स्कूल से पढ़े हैं, और यहाँ से आपका फेवरेट फ्रेंड का नाम क्या रहेगा, और यहाँ से फेवरेट मतलब यहाँ से देखते हैं यहाँ से फेवरेट टीचर यहाँ से लिख दीजिएगा। इसमें क्वेश्चन लिख लेंगे, जैसे आप बाय द वे आप एम पिन भूल जाते हैं तो उसको आप प्रोसेस कर सकते हैं, बाय द वे इसको नहीं भरना चाहते तो यहाँ से देखते हैं स्केप टू प्रोसीड का, एस्केप एंड प्रोसीड का ऑप्शन है, जैसे इसके प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका फ़ोन लोडिंग लेगा। उसके पास फिर आपके नंबर पर ओटीपी आएगा, जो देख सकते हैं यहाँ से हमारा लोडिंग ले रहा है फोन, और जैसे लोडिंग लेगा उसके पर से यहाँ से ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए आपको नंबर पर कोड आएगा, तुरंत कोड आएगा यहाँ से आपको जनरेट हो जाएगा। जो देखते हैं हमारा ओटीपी जनरेट हो चुका सक्सेसफुल, और जैसे जो ओटीपी जनरेट हो जाएगा यहाँ से आपको इस तरह से शो कर देगा, जो जैसे इस तरह से रजिस्टर कर लेंगे उसके ऊपर से लॉगिन ऑप्शन पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपको जो एम पिन रहता है उसको आपको जब इंटर करेंगे तो यहाँ से आपका रजिस्टर होने के बाद यहाँ से लॉगिन हो जाएगा। जो देख सकते हैं इस तरह से फ्रेंड हमारे फ़ोन में लॉगिन हो रहा है, और यहाँ से लॉगिन होने के बाद आपका अकाउंट नंबर शो करेगा, आपके खाते में कितना रुपया, यहाँ से जब क्लिक करेंगे तो यहाँ से इस तरह से शो कर देगा। इस तरह से फ्रेंड आप अपने जो होता है आईपीपी मोबाइल बैंकिंग में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये तरीका कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, इससे क्या होगा फ्रेंड कि हमारी नई नई वीडियो आपको हमेशा मिलती रहेगी। वीडियो शुरू से लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।